हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ईवीएस टीचर मिस रेनु ग्री फ्रॉम एसबीएस चिल्ड्रन एकेडमी। आई होप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल एग्ज़ाम। आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी घर पर। जैसे कि आपको पता है, मार्च में हमारा स्कूल रीओपन होने वाला है, ओके। एंड जो एनुअल एग्ज़ाम है वो आपको स्कूल में ही देना है। नाउ वी विल रिवाइज सम मैथ्स द फॉलोइंग and start preparing for annual, okay? Match the following. हमने फिलिप्स के revisions already कर लिए हैं, अब हम match the following के revisions करेंगे। Wool, cotton, summer, विंटर, सी, सन, स्मोक, ओके। नाउ यू हैव टू मैच इट विद द वर्ड्स। Okay students, now what you have to do it, you have to match the following words, column A with column B. Wool, wool हमें कहाँ से मिलता है? जैसे कि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, wool हमें sheep से मिलता है, so you have to match with sheep. Cotton, we get cotton from cotton plants. Summer, समर में हम किस तरह से कपड़े पहनते हैं, कैसा खाना खाते हैं, ये सब हमें सोचकर, वर्ड्स देखकर आइडेंटिफाई करना है। क्या समर में हम टी का यूज़ करते हैं, चाय पीते हैं, ज़्यादा नहीं पीते क्योंकि चाय से भी गर्मी लगती है, तो समर में हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। विंटर, विंटर ठंडा होता है, उसमें हम चाहते हैं कि हमें गर्म चीज़ें मिले, जैसे टी, कॉफ़ी, सूप एक्सेट्रा, सो इट गो विथ टी। सी, सी जो होता है स्टूडेंट्स, उसका पानी कैसा होता है, उसका पानी खारा होता है, यानी कि सॉल्टी होता है, सो इट गो विथ सॉल्टी। एयर, वी नीड एयर टू ब्रीथ, हमें एयर क्यों चाहिए, हमें एयर सांस लेने के लिए चाहिए, सो वी नीड एयर टू ब्रीथ। नाउ नेक्स्ट इज सन, सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत तेजी से धरती पर पड़ती हैं, इसलिए सन शाइन्स, इट गो विद शाइन्स। स्मोक, जो धुआं होता है वो कैसा होता है, वो बहुत गंदा होता है, डर्टी होता है, सो इट गो विद डर्टी, ओके। दिस ऑल्सो यू हैव टू राइट इन योर ईवीएस नोटबुक। नाउ वी विल रिवाइज सम टिक द करेक्ट ऑप्शंस फ्रेंड्स। Now we will revise, take the correct option. Students, tell me in which season we enjoy drinking hot soup? वो कौन सा season है जब हम hot soup पीना पसंद करते हैं? That is summer,
winter or rainy? Yes, the answer is winter. Now next question is, monsoon is another word for which of the following season? Monsoon kis word ka dusra naam hai? And your options are rainy, winter, autumn. So which is? Yes, that is rainy. Rainy ko hi hum monsoon bolte hain. So option A is correct. Now the third one is, in which season leaves turn yellow and fall to the ग्राउंड? वो कौन सा सीजन है जब लीव्स पीली पड़ जाती हैं और वो टूटकर धरती पर गिर जाती है, वो कौन सा सीजन है? एंड योर ऑप्शंस आर रेनी सीजन, स्प्रिंग सीजन और ऑटम. यस स्टूडेंट, प्लीज टेल मी द आंसर इज ऑटम सीजन. ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ सी सम मोर. क्लोथ्स दैट ऑब्जर्व स्वेट आर मेड अप ऑफ विच फैब्रिक? वो क्लोथ्स जो हमारे पसीने को सोख लेते हैं वो कौन से फैब्रिक से बने होते हैं? एंड योर ऑप्शंस आर वूल, कॉटन, वाटर प्रूफ मटीरियल. जैसे कि आपको पता है वाटर प्रूफ मटीरियल बारिश से बचने के लिए यूज़ होता है, वूल ठंड से बचने के लिए होता है, पर पसीना हमें कब आता है? गर्मी में आता है, तो गर्मी में हम कॉटन का यूज़ करते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट इज, फ्रॉम वेयर डू वी ऑब्टेन वूल? इससे पहले हमने मैच द फॉलोइंग देखा था. मैच द फॉलोइंग में हमने देखा था वूल हमें कहाँ से मिलता है. यस, सी द ऑप्शंस, दैट इज लीव्स, फ्रूट्स, शीप. एंड योर आंसर इज यस, दैट इज शीप. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Now next is, which of the following is used to protect our feet from getting wet in rain? वो क्या है जिससे हम अपने पैरों को बचा सकते हैं बारिश से या गीले होने से? That is socks. Socks तो खुद ही गीला हो जाएगा, हमारे पैर को क्या बचाएगा? Gumboots और gloves. Gloves तो हाथों में पहनते हैं, तो that is gumboots, जो कि हम पैरों में पहनते हैं और बारिश से बचने के लिए पहनते हैं कि हमारे पैर गीले ना हो, इसलिए हम पहनते हैं गम बूट्स. ओके, नाउ फ्रॉम आवर फेस्टिवल वी सी सम, टेक द करेक्ट ऑप्शंस. रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, योर ऑप्शंस आर 2nd of October, 26th January, 15th of August. यस, रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन. स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी, Republic Day is celebrated on 26th January. Okay. Next is Harvest Festival of Assam. Assam का जो Harvest Festival है वो कौन सा है? And your options are Bihu, Baisakhi, Onam. जैसे कि आपको पता है Baisakhi पंजाब का त्यौहार है एंड ओनम जो है वो केरला का त्यौहार है. तो क्या ऑप्शन बचा हमारे पास? बिहू बचा. सो बिहू इज अ फेस्टिवल ऑफ आसाम. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, विच व्हीकल हैज 4 wheels? वो कौन सी सवारी है जिसमें 4 पहिए होते हैं? Which vehicle has 4 wheels? Your options are car, scooter और rickshaw. Car में 4 पहिए होते हैं, scooter में 2 पहिए होते हैं, rickshaw में 3 पहिए होते हैं. So हमने तो 4 wheels की बात की है, तो 4 wheels के साथ क्या जाएगा? Option A, that is car. Next is, which vehicle travels under water? वो कौन सा व्हीकल है जो पानी के अंदर चलता है? योर ऑप्शंस आर शिप, सबमरीन, बोट. इससे पहले भी हमने सॉल्व किए हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, दैट इज सबमरीन. ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज, विच व्हीकल मूव्स ऑन ट्रैक्स? ट्रैक पे चलने वाला तो एक ही है,
चलो ऑप्शन भी देख लेते हैं, वैन, बस, ट्रेन। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ट्रेन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द रोड। रोड के रिगार्डिंग कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो करेक्ट है, दैट इज रन, बी अलर्ट और प्ले। क्या रोड पर हम खेलते हैं? सो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। क्या हम रोड पे दौड़ते हैं? ये भी गलत है। सो बी अलर्ट, रोड पर हम अलर्ट होके चलते हैं, एक साइड जो करेक्ट साइड हमारे लिए उस साइड हम चलते हैं। ओके, सो रोड पर हमें अलर्ट रहना चाहिए। सो बी अलर्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ विच ऑफ दीज शुड बी यूज टू शार्पन अ पेंसिल। पेंसिल को शार्प करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? योर ऑप्शन आर शार्पनर, नाइफ और स्क्रू ड्राइवर। क्या किसी बच्चे ने स्क्रू ड्राइवर से साफ किया है पेंसिल को अपने? नहीं। यस स्टूडेंट्स, द आंसर इज, ये तो आपको बहुत बेहतर पता होगा, दैट इज ऑप्शन ए। यस ऑप्शन ए, दैट इज शार्पनर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। हमारे जो धरती है उसका शेप कैसा है? योर ऑप्शंस आर राउंड, फ्लैट, ओवल। कैसा है? क्या वो राउंड है? यस, अर्थ इज राउंड इन शेप, इट्स लाइक एन ऑरेंज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ विच इज द लार्जेस्ट वाटर बॉडी। सबसे बड़ा जो है पानी का वो संग्रह वो कौन सा है, दैट इज लेक, ओशियन और पॉन्ड। सबसे बड़ा तो ओशियन होता है, उसमें बहुत पानी होता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, और उसका पानी कैसा होता है? सॉल्टी होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मूविंग एयर कॉल्ड। मूविंग एयर, जो हवा चलती रहती है निरंतर, उसको हम क्या बोलते हैं? योर ऑप्शंस आर गैस, स्ट्रीम, विंड। जो हवा निरंतर चलती रहती है उसको हम विंड बोलते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, हाउ मेनी टाइम्स अ मून चेंजेस इट्स शेप। कितनी बार जो मून होता है वो अपने शेप यानी कि अपना जो आकार है उसको कितनी बार बदलता है? योर ऑप्शंस आर ट्वाइस अ मंथ, वंस अ मंथ या एवरी डे। जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था, मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मून का जो शेप है वो हर रोज बदलता है। आप आज रात को ऑब्जर्व करोगे तो उसका शेप कुछ और होगा और कल कुछ और होगा, तो उसके शेप में डेली परिवर्तन आता रहता है। ओके, नाउ व्हाट कैन यू सी व्हेन यू लुक अप एट द नाइट स्काई। रात में जब आप आसमान में देखेंगे तो आपको रात में क्या दिखाई देगा आसमान में? योर ऑप्शंस आर सन, रेनबो, स्टार्स। जैसे कि आपको पता है सन तो हमें दिन में दिखाई देता है, रात का तो कोई सवाल ही नहीं है। रेनबो हमें बारिश के बाद दिखाई देता है, स्टार्स हमें रात में दिखाई देते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज स्टार्स। नाउ हाउ मेनी कलर्स डज अ रेनबो हैज। रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? ऑप्शन, योर ऑप्शंस आर ए 4 कलर्स, बी 7, सी 9। आपको पता ही है रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज 7। ओके, नाउ स्टूडेंट्स योर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग एंड टिक द करेक्ट ऑप्शंस, रिवीजन इज ओवर। नाउ वी विल कम बैक विथ अनदर एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टिल देन बाय बाय।